हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग असम लोग जा रहा है रबर बागान में, क्योंकि आप लोग को दिखाऊंगी रबर का फुल प्रोसेसिंग कटिंग से लेकर रूलिंग तक इसी ब्लॉग पे दिखाऊंगी गाइस। इसलिए ब्लॉग पर बनी रहे और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर देना ऐसे न्यू न्यू ब्लॉग देखने के लिए। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारा रबर कटिंग खत्म हो चुके है गाइस। हम लोग फिर से आएगा 2 घंटे के बाद रबर का दूध कलेक्ट करने के लिए। 2 hours later गाइस, 2 घंटा हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं रबर का दूध कलेक्ट करने के लिए। रबर का दूध खाली हो चुके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घर में। अभी हम लोग घर में आ चुकी है और अभी चीज बना रहे गाइस। गाइस अभी पानी दे रहा है सब में, एक एक डब्बा करके पानी देगा। गाइस अभी एसिड दे रहा है, एसिड और पानी और रबर का दूध एक साथ अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। गाइस हमारा चीट हो चुके, उसको 24 hours तक ऐसे रखेगा, उसके बाद उसको रूलिंग करना पड़ेगा। 24 hours later गाइस 24 hours हो चुके, अभी हम लोग रूलिंग करने वाला है। अभी हम लोग रूलिंग कर रहा हूँ, इसमें पहले नॉर्मल 3 बार करना पड़ेगा। गाइस अभी 3 बार हो रहा है देखो, उसके बाद दूसरे जगह में करेगा लास्ट फिनिशिंग। गाइस लास्ट फिनिशिंग इसी मशीन से देना पड़ेगा, देखो कितना अभी देखो, ये देखो कितना सुंदर सुंदर हो रहा है अभी रबर का चीट देख लिया गाइस।
गैस अभी धूप में दे रहा हूँ। रबर चीज ऐसे धूप में रख के 7 से 8 दिन तक सुखाना पड़ेगा। ऐसे देखो मधुमक्खी की छत्ता, मधुमक्खी ने घर के अंदर ले लिया। अब समझ में आ रहा है।